नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी टीवी न्यूज। अभी झारखंड के हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड स्थित झापा पंचायत में मौजूद हूँ और अभी हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी मौजूद हैं क्या? मुकुल साहु मुकुंद साव जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं, आज ही अपना नामांकन दाखिल किए हैं। इनसे जानना चाहेंगे किन किन मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, और आपको बता दूं कि पहले भी इनकी पत्नी यहाँ से मुखिया रह चुकी हैं, पूर्णिमा देवी। तो इनसे जानना चाहेंगे इस बार किन किन मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, और आपको बता दूं कि अपने जो समय था पंचायती चुनाव का, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, उससे काफी लेट हो चुका है, कहीं ना कहीं कोरोना काल को लेकर के 1 से 1.5 साल जो है कि लेट में इस बार का नामांकन प्रक्रिया शुरू हुआ है, चुनाव का बिगुल बजा है। इनसे जानना चाहेंगे, बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी। धन्यवाद आप सबको। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आज आपने नामांकन दाखिल किया है, बहुत बहुत बधाई आपको, पर ये मैं जानना चाहेंगे किन किन मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो होता है वो सरकार का सबसे प्रथम या निचला पायदान है, यहीं से सारे कार्य प्रारंभ होते हैं, यहीं से बुनियाद प्रारंभ होता है। मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ वो एक हमारा मुद्दा है कि जो स्थानीय स्तर पर विकास के जो की जो बातें हैं, विकास की जो चीज़ें हैं, वो धरातल पर उतरे, विकास के यहीं से शुरुआत हो। और पिछले 12 वर्षों में यहाँ की पूर्व मुखिया श्रीमती पूर्णिमा देवी भी अपने स्तर से विकास का ढेर सारे किए, और जो कार्य बचे हैं न सिर्फ उनको हमको पूरा करना है बल्कि विकास की गति को और आगे तेज करना है। क्या क्या कार्य अभी अच्छा? अभी जो पंचायती राज व्यवस्था में, चाहे वो चौपाल बनने हो, चाहे वो गली बननी हो, नाली बननी हो, तालाब बनने हो, ये सारे कार्य इस पंचायत में बड़े पैमाने पर हुए हैं, और जो बाकी बचे हैं कुछ, और चूंकि देखिए आवश्यकताएं अनंत हैं, हम लाख प्रयास करेंगे तो तुरंत में सारे कार्य पूर्ण नहीं हो जाएंगे, तो जो कार्य बचे हैं वो भी पूर्ण होंगे और जो आगे कार्य आते जाएंगे वो भी सारे कार्य होंगे। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आपने नामांकन भी दाखिल कर लिया, पंचायत के कई गाँव का दौरा भी कर रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? वो तो रिस्पांस आज का जो नामांकन का मेरा जो प्रोसेशन था, नामांकन में जो लोग गए थे, तो काश कि उसमें आप नहीं थे, अगर आप होते तो देख लेते कि नामांकन में किस तरह से यहाँ की जनता का रुझान था, किस तरह से उत्साह था। मैं ये कह सकता हूँ कि जनता का बहुत रिस्पांस मेरे प्रति है, और लोगों की इच्छा है कि पुनः एक बार मुकुंद जी मुखिया के रूप में आए, चूँकि अभी तक तो मुखिया प्रतिनिधि के रूप में आया करते थे। आपने मुखिया प्रतिनिधित्व यहाँ से कर चुके हैं बाल मुकुंद जी, हमें जानना चाहिए कितने बेघरों को प्रधानमंत्री आवास योजना से आपने जोड़ने का काम? अभी तक हम लगभग 450 प्रधानमंत्री आवास इस पंचायत में बनाए हैं, और वैसे अगर हम और आवास की बात करें, चूँकि पूर्व में इंदिरा आवास भी मैंने दिया है, और अंबेडकर आवास भी मैंने दिया है, दीनदयाल उपाध्याय आवास भी हमने दिया है, तो इस तरह से अगर सारे को जोड़े तो 700-800 आवास मैंने बनाया है यहाँ पर जी। आपका ये भी जानना चाहेंगे, आपके पंचायत में अभी स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? देखिए, शिक्षा की स्थिति झारखंड सरकार की गलत नीति के कारण, चूँकि आप सबको पता है कि विगत 2 वर्षों से विद्यालय बंद थे, तो शिक्षा के स्तर पर अगर कुछ चर्चा की जाए तो ये बेईमानी होगी। लेकिन जब विद्यालय प्रारंभ हुए हैं, विद्यालय खुले हैं, तो हम लोगों ने उसको सिस्टम में लाने का प्रयास किया ही है, इसी बीच में चुनाव की घोषणा होगी, तो अब जब चुन करके आएंगे तो फिर शिक्षा के स्तर सुधरेगी। लेकिन जब कोरोना के पहले विद्यालय यहाँ चल रहे थे, तो निश्चित रूप से चाहे वो ग्राम शिक्षा समिति हो, विद्यालय प्रबंधन समिति हो, विद्यालय में पठन पाठन कार्य हो, विद्यालय की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था को मैंने दुरुस्त किया था। जैसा कि सर हमने आप झारखंड के कई पंचायत का दौरा किया, तो एक मुख्य समस्या पानी का भी होता है, हमें जानना चाहेंगे आपकी पंचायत में पानी का क्या समस्या है? यहाँ भी पानी की समस्या तो निश्चित रूप से है, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि हर गांव में जल मीनार लगे, और मैं समझता हूं कि पंचायत के करीब करीब गांव में जल मीनार लगे हैं, और जल नल योजना के तहत भी हमने कोशिश की है कि कई दरवाजे तक पानी पहुंचे, और मैंने पहुंचाने का प्रयास किया है। मुखिया जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अपने जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? 200% मैं जीत से के लिए आश्वस्त इसलिए हूँ कि जनता के लिए मैंने काम किया है, और जनता हमें चाहती है, जनता का बहुत प्यार हमें मिला है, जनता काफ़ी हमको रिस्पांस कर रही है, जनता चाहती है कि मुकुंद जी का नेतृत्व तो फिर हम सबको मिले, क्योंकि हम प्रयास किए हैं कि समाज में बिल्कुल अमन चैन रहे, सारे लोग निर्भीक होकर के अपना कार्य करें, विकास कार्य निर्भीक होकर के करें, इसलिए जनता चाहती है कि मुकुंद जी चुनकर आए। जैसे आप मुखिया बनते हैं तो सबसे पहले कौन से काम को प्राथमिकता देंगे? हमारी तो इच्छा होगी कि मुखिया बनने के बाद तुरंत जो शिक्षा की व्यवस्था भी बिल्कुल झारखंड सरकार के या कोरोना के कारण जो गड़बड़ा गया है, जो बिल्कुल नीचे चला गया, हम अगर चुन कराए तो सबसे पहला मेरा ध्यान होगा शिक्षा पर। दूसरी कि जो अभी अभी आपने कहा पानी की किल्लत है, तो आपको पता है कि हमने जल संचयन और जल संरक्षण पर बहुत सारे कार्य किए हैं,
पानी की काफ़ी दिक्कत है, पानी की काफ़ी किल्लत है, ज़मीन के नीचे पानी का भी लेयर काफ़ी नीचे चला गया है। हमारी कोशिश है कि जल संचयन भी करें, जल संरक्षण भी करें, इसके लिए मैंने बहुत सोखा भी बनवाया था। तो हम कोशिश करेंगे कि पानी बर्बाद नहीं हो और जल नल के माध्यम से हर दरवाजे तक पानी पहुँचाए, ये भी हमारी कोशिश होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। बस लास्ट में हम यह आपसे जानना चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की जनता से, पंचायत के वासियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे, चूंकि आज के दिन में मैं प्रत्याशी हूँ और एक प्रत्याशी जनता से आवेदन करती है, निवेदन करते हैं कि मुझे समर्थन दिया जाए, मुझे आशीर्वाद दिया जाए, और अगर आपका आशीर्वाद मिलता है तो आपके विश्वास पर मैं खरा उतरूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं विभाग तरीके से अपने सभी सवालों का जवाब मुखिया जी दिए हैं। इनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि अगर चुनाव जीते हैं तो सबसे पहले जो पानी की किल्लत है पंचायत में उसे दूर करेंगे, पानी का जो है कि समस्या उसे दूर करके और जो कमी रह गई उसे पूरा करेंगे। देखना यह है कि कितना समर्थन मुखिया जी को मिलता है, जैसे कि इनको पत्नी के हमेशा मिला है समर्थन, इनको कितना इस बार मिलता है सपोर्ट, कितना समर्थन मिलता है। पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे, देखते रहें AJ TV न्यूज़।